हाँ सर बताइएगा, ये किस चीज़ का बैग है, क्या है चीज़ ये, इसके देखिए बारे ये में। मशरूम है और ये मशरूम की बैग है और ये हम कॉमर्शियल पर्पज़ से बनाए हैं, लेकिन जब कोई किसान बनाएंगे तो इस तरह के छोटे बैग्स बना सकते हैं वो। लेकिन हम यहाँ पे ये कॉमर्शियल मशरूम फार्म है, इसीलिए हम इसका बड़े बैग बनाए हैं। और मशरूम की अलग अलग वैरायटी होती है, तो इसमें ये ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। आइए हम इधर दिखाते हैं आपको ये सारे बैग। ये देख लीजिए, करीबन आपके ये देखिए 2 तारीख के लगे हुए बैग हैं ये। इस पर तो डेट लिखा सर हुआ है। कितने दिन में ये निकलना शुरू होता है सर? देखिए इसको जब लगाते हैं हम, उसके करीबन 17-18 दिन के बाद स्पानिंग कंप्लीट हो जाती है। ये पूरा पूरा उजला हो जाएगा बैग, जिस तरह भी आप यहाँ पे देख रहे हैं हल्का हल्का उजला हुआ है। इस तरह से ये बैग देख लीजिए आप, ये अंदर में बैग दिख रही है आपको, ये पूरी सफ़ेद हो जाएगी इसी तरह से ये जी पूरी बैग। और उसके करीबन 5-6 दिन के बाद ये आपका निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप आइए तो मैं आपको अंदर वाले बैग में दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये 2 तारीख का बैग लगा हुआ है और इससे फ्रूटिंग आने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, तो हाँ सर, ये आप बैग आपका किस डेट का लगा हुआ था, थोड़ा बताइएगा, आज ऐसी ये फ्रूटिंग बैग दिख रही है आपका हमको। 29 तारीख का है। देखिए इस पे डेट लिखा हुआ, डेट मेंशन है, जी जी उनतीस तारीख का उनतीस बैग ही लगा है हुआ है ये। जी। और आज हो गए आपके 28 तारीख, तो करीबन 29-30 दिन में ये आपका इस तरह का फ्रूटिंग है। हमने एक हार्वेस्ट ऑलरेडी ले चुका है इसमें से जी एक तुड़ाई हो चुकी है। जी। तो और करीबन 15-20 दिन तक में इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जी ये बैग 30 तारीख का लगा हुआ है सर। ये 30 तारीख का लगा हुआ है। देखिए इसमें से भी बढ़िया फ्रूटिंग है और आज ये इस तरह इतने छोटे फ्रूटिंग्स है, करीबन 3 दिन के बाद ये तोड़ने लायक हो जी जाएंगे, 3 दिन में बड़े हो इस जाएंगे, कदर हो जाएंगे 3 दिन तीन दिन में में इस ऐसे कदर हो हो जाएंगे जी। जी। और इसमें एक बढ़िया बात ये होती है कि इसका एक तरफ से फ्रूटिंग होती है और दूसरी तरफ से आप तोड़ सकते हैं इसको। जैसे ये देखिए ये तोड़ने वाली हो गई, ये जी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप कल तक के लिए छोड़ेंगे, कल तक इतनी बड़ी हो जाएगी ये बैग। सर, इसको हम अपने घर भी लगा सकते हैं कहीं भी। देखिए इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है साफ सफाई का। इसमें अनावश्यक कोई प्रवेश ना करें, किसी प्रकार ज़्यादा बोले ना यहाँ पे, या जूता चप्पल पहन के हमेशा ना आए। इसको थोड़ा डिसइन्फेक्टेंट, जैसे कि आपका फॉर्मलिन हुआ या सेवलॉन है, बेबिस्टिन है, इससे अपना थोड़ा पैर हाथ वगैरह साफ़ कर लें, उसके बाद इसके अंदर आएँ। और घर के किसी भी कोने में आपको लगाना हो तो रस्सी से बांध के इसी सहारे भी आप लगा सकते हैं, या रैक का सर इस्तेमाल इसको करके लगा सकते हैंगिंग हैं। करना जरूरी है, हैंगिंग करना जरूरी है इसको देखिए टांगना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम हैंगिंग में ही लगाएं, इसको आप रैक के सिस्टम में लगाइए, लोहे की या बांस की रैक बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन आप कम खर्च में इसको करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको लटका करके भी आप कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया, इसमें देखिए कितनी बढ़िया प्रोटीन आई हुई है। अच्छा सर, इसको बैग को बनाने में क्या ज़्यादा समस्या आती है कि आदमी कर सकता है, कोई भी देखिए नॉर्मल इस आदमी? मशरूम को लगाने के लिए ज़्यादा समस्या नहीं आती, ये बहुत ही आसान है लगाना। और ये करीबन 2-3 महीने सालों में छोड़कर लगभग इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। सब में से फ्रूटिंग आया है और आज